हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर क्लास एंड इक्वेशंस हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे सम केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिमटम्स डी नो वर्ट दिनिंग ऑफ सिम्टम्स नॉट ए करोना वायरस सिम्टम्स हेयर सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स उस रिएक्शन की फीचर्स मतलब कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन को हम देख कर पहचान लें कि रिएक्शन हो गई कुछ कहीं पर रिएक्शन हो रही है और हम ये पहचान लें कि हाँ भाई देखो ये रिएक्शन हो गई है कैसे अब जैसे आम पक गया पहले कच्चा था हरे रंग का था खाया खट्टा था विटामिन सी ज्यादा था, था अब जब उसको हमने खाया तो इतना खट्टा नहीं था थोड़ा शुगर आ गई इसके अंदर देख रहे हैं आप शुगर मतलब केमिकल कम्पोजिशन में चेंज आया ना तो केमिकल कम्पोजिशन में चेंज आया इसका मतलब केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हुई है तो आम का पकना या किसी फल का पकना किसी फ्रूट्स का रिपेनिंग होना इस बात का सबूत है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है और आप अपने सराउंडिंग से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे जैसे आप ले सकते हैं दही आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ट फ्रॉम द मिल्क एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिलेशन क्या होता है वहाँ पे मिल्क कैसा होता है मिल्क तो एकदम लिक्विड होता है और वो जब दही बनता है तो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फ्यूल का जलना बाइक में ऑटोमोबाइल्स वगैरह में है ना इंजन वग़ैरह में चलना फैक्ट इंडस्ट्री के अंदर चल चलना ऐसा भी केमिकल रिएक्शन इंडस्ट्री के अंदर तो होती ही है बहुत सारी लैब के अंदर भी हम लोग कराते हैं लेकिन जो हम उनकी बात कर रहे हैं जो डेली लाइफ में हम देख सकते हैं जो नेचुरल रिएक्शन हो रही है हम कह रहे हैं रही तो खुद ही खुद रिएक्शन हो रही है हम कहें ये केमिकल रिएक्शन है तो किसी फ्यूल का जलना हो गया है ना और जनरल जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं किसी फल का पकना हो गया मतलब हमारे पेट के अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी क्या है केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन क्या है केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस क्या है केमिकल रिएक्शन दीज ऑल आर द केमिकल रिक्शन अब केमिकल रिएक्शन है क्या कुछ नहीं है केमिकल रिएक्शन का मतलब कुछ थोड़ा इस तरीके से है कि केमिकल चेंज हो रहा है जब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो जो केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा वो केमिकल्स के अंदर होगा तो केमिकल रिएक्शन्स मतलब पुराने बॉन्ड जो टूट जाए और नए बॉन्ड फॉर्म हो जाए मतलब कुछ पुराने बॉन्ड जो होंगे वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो जो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी डिफरेंट होगी तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की केमिकल रिएक्शन के अंदर तो जैसे कि केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन रिएक्शन आर एक्शन रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन में देखो केमिकल्स के बारे में बात हुई तो केमिकल रिएक्शन में यह भी हो सकता है कि फिजिकल चेंज की बात भी करेंगे केमिकल के अंदर फिजिकल चेंज हो रहा है सिर्फ फिजिकल चेंज कैसे मान लो कोई केमिकल है कोई सीओ गैस है कोई गैस है अब उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गई इस केमिकल चेंज हो गया सीओ टू सॉलिड तो क्या हो गया ये फिजिकल चेंज हो गया इस केमिकल के अंदर ठीक है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है काय में चेंज हो गया ये चेंज करता हूँ पूरा कंप्लीट में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से काय में चेंज करता हूँ गैस में क्या हो गया यहाँ फिजिकल चेंज हो गया ठीक है ये जो फिजिकल चेंज हो रहा है ना तो ये फिजिकल चेंज जो हो रहा है तो मतलब केमिकल्स के अंदर तो आ रहा है तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर हम जो हैं दो बातें कह सकते हैं एक फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज अब फिजिकल चेंज में क्या होता है फिजिकल चेंज में हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज में एटम्स वगैरह मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है जब बात हम करेंगे जनरली केमिकल चेंज की तो केमिकल में चेंज आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ओ क्या बना सी टू तो जो सीओ टू बना है ना ये सीओ टू जो फॉर्म हुआ है तो यहां से सी से और ओ से मिलके के ओ टू से मिलके तो इसकी केमिकल कंपोजिशन अलग है इसकी केमिकल कंपोजेशन अलग है तो यहां पर क्या था कार्बन था और ये ऑक्सीजन थे ये ऑक्सीजन के पुराने बॉन्ड थे और आज क्या हाल है ऑक्सीजन ने अपने नए बॉन्ड बना लिए इधर उधर आके किसके साथ बना लिया ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ तो पुराने बॉन्ड टूट गए तो ओल्ड बॉन्ड क्या हो गए ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्ड क्या हो गए फॉर्म हो गए जब ऐसा होता है कि पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड क्या बन जाएं तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है ना इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है कह सकते हैं ना केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर मतलब न्यू फॉर्म जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा न्यू बॉन्ड हो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी डिफरेंट होगी जैसे कार्बन क्या है यहाँ सॉलिड है कार्बन कोयला और ऑक्सीजन क्या है गैस है ठीक है और ये भी गैस है

ओके okay. तो मैं ही कह रहा था यहां पे कि यहां पे क्या हुआ पुराने टूटे तो और, और जो फॉर्म जो जो बने हैं और प्रोडक्ट बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और इन होगी फॉर एग्जाम्पल एच टू प्लस हाइड्रोजन गैस एंड इट इज ऑक्सीजन गैस डाई हाइड्रोजन डाइ ऑक्सीजन दे 2H2. Okay. It is liquid. देखो इस की जो जो है है, है वो अलग है। जो physical, chemical property वो अलग अलग और इसकी ऑक्सीजन की अलग है अब खुद ही सोचो आप हाइड्रोजन जो है एज ए फ्यूल फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है तो ये फ्यूल है और वो क्या है वो फ्यूल को जलाने में हेल्प करती है और जबकि आपका जो प्रोडक्ट है ना अगर किसी को पानी डाल दो तो ये तो फ्यूल नहीं है ना ही हेल्प कर किसी को जलाने में और और आग कहीं लग रही होगी पानी डाल दोगे तो बुझ जाएगी है ना तो ये देखो बिल्कुल प्रोडक्ट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे देखो गैस गैस थी वहां क्या हो गया लिक्विड बन गया तो मैं कह रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन अगर प्योरली आप केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो आप केमिकल चेंज से ले सकते हैं इसलिए आपके टेंथ क्लास में ना सिर्फ ये केमिकल चेंज है ये फिजिकल चेंज के बारे में बात नहीं करेगी तो ये फिजिकल चेंज भी जो आ रहा है ना वो कई के अंदर आ रहा है वो केमिकल्स के अंदर आ रहा है तो एक फिजिकल चेंज होता है ये फिजिकल प्रोसेस हो गई और ये क्या हो गई केमिकल प्रोसेस हो गई तो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे हम ये केमिकल रिएक्शन है हमारी तो केमिकल चेंज आ रहा है इनके अंदर ठीक है इसको इसको भी शामिल करते हैं इसके अंदर लेकिन हमारे टेंथ क्लास के हिसाब से सिर्फ इसको की बात करेंगे जब हम केमिकल हायर क्लास में जाके केमिकल इक्विबियम पढ़ेंगे तो वहां पे आप फिजिकल इक्विपमेंट भी पढ़ेंगे और केमिकल इक्विपमेंट भी पढ़ेंगे काय के अंदर केमिकल इक्विबियम के अंदर ठीक है अभी इस बात को हम भूल जाते हैं अभी हम यहाँ बात करते हैं केमिकल चेंज में तो इतना तो पता चल गया हमें कि केमिकल रिएक्शन है क्या

हमें दिखाई देना में हम नहीं देख पा रहे है उसको है ना तो चलो वाटर को तो देख लेंगे की हाइड्रोजन डाला क्लोरीन ये आपका ऑक्सीजन डाला और क्या हुआ वाटर बन गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल एक्शन गई तो कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ठीक है तो उससे हम पहचान लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन यहाँ हो गई कुछ कलर चेंज आएगा टेम्परेचर चेंज आएगा तो उसकी बात करेंगे है ना कि कैसे कैसे हमारा उसका होती है केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसे होती है उन उन से हम पहचानेंगे कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो हो चुकी है ठीक है तो उससे पहले हम बात करते हैं हम कुछ केमिकल रिएशन की जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करते हैं मैग्नीशियम की क्योंकि मैग्नीशियम का अगर हम एक रिबिन लें या मैग्नीशियम लें हम अब उसको हम, हम उसको हम हीट करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ठीक है तो क्या बनेगा वो एमजीओ बनेगा यहां पे ऑक्सीजन कितना टू है तो यहां मुझे को टू करना पड़ेगा तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में मुझे मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी बैलेंस करना पड़ेगा तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऐसे तो करेगा नहीं हीट कराने पे करेगा तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो मैग्नीशियम क्या है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है अब लास्ट चैप्टर जो आपका उसमें आप पीरियड के बारे में ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से आपको ज्यादा नॉलेज जाएगी तो मैग्नीशियम क्या एक मेटल है

ये हमने हीट किया यहां से इसको ठीक है तो इसको हम जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा यहां पे एक एक चाइना डिश ले लेते हैं चाइना का तो हो रहा है चाइना डिश लेते इंडियन डिश ले लेते हैं ले ले एक ग्लास लेते हैं ठीक है वॉश ग्लास ले लेते हैं तो ये वॉश ग्लास के अंदर क्या होता है इसको यहाँ पे ये, ये राख है वो राख यहाँ पे जमा हो जाएगी एक्चुअली वो राख जो होगी ना वो मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से वो क्या होगा एम जी ओ होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई वो राग तो देखो यहां पे क्या हुआ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई मैग्नीशियम और यहां पे क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां सॉलिड था यहां पाउडर के फॉर्म में आ गया यहां रिबिन के फॉर्म में था यहाँ पे यह गैस थी ऑक्सीजन और यहां पे क्या हो गई पाउडर के फॉर्म में आ गई ऑक्सीजन तो ये क्या हुआ दोनों क्या कंबाइन कर गए अब आप देखा यहां भी ऑक्सीजन एटम है यहां भी ऑक्सीजन एटम है ऐसा नहीं है कि केमिकल की जब कोई रिएक्शन होगी तो जो आपके जो एलिमेंट है या आपके जो एटम्स है वो चेंज हो जाएंगे वो एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम रहेगा चेंज क्या होता है उनका रीअरेंजमेंट चेंज होता है जो पहले ऑक्सीजन साथ में ओ टू थी ओ लगा हुआ था आपस में अब वो क्या हुआ मैग्नीशियम के साथ जाके लग गया ठीक है ये क्या हुआ अलग अलग मैग्नीशियम क्या हो गया यहां मैग एम जी ओ एक मैग्नीशियम दो मैग्नीशियम इनके साथ जाके लग गया अपने पुराने बॉन्ड टूट गए इन्होंने पुराने बॉन्ड तोड़ दिए अपने ये जो पुराने बॉन्ड थे और नए बॉन्ड क्या है फॉर्म कर लिए ओके तो पुराने बॉन्ड ये क्या था ये पुराने बॉन्ड ये टूट गए ये वाले और नए बॉन्ड क्या हो गए ये फॉर्म हो गए तो पुराने बॉन्डो का टूटना और नए बॉन्डो का बनना क्या कहलाता है ये कहलाता है हमारा केमिकल रिक्शन तो एक बात और ध्यान रखनी है केमिकल रिएक्शन में जो हमारे एटम्स होते हैं मतलब एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते एलिमेंट सेम रहेंगे है ना जो एलिमेंट या ऑक्सीजन है वहां ऑक्सीजन मैग्नीशियम मैग्नीशियम यही नहीं कि आप ऑक्सीजन का नाइट्रोजन बन जाए या ऑक्सीजन का क्लोरीन बन जाए या ब्रोमीन बन जाए या मैग्नीशियम का सोडियम बन जाए वो वही रहेंगे एटम एटम में चेंज नहीं आता एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे कि ये एटम किसका है ये ये किस एलिमेंट का एटम है ऑक्सीजन का ये किसका है मैग्नीशियम का तो यहां भी क्या रहेंगे वही एलिमेंट मौजूद रहेंगे वही वही प्रेजेंट रहेंगे वहां पर तो उसमें चेंज नहीं आता है चेंज क्या में आता उनके रीअरेंजमेंट में एटम कौन सा एटम कैसे लगा हुआ था पहले रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कैसे लग गया अब बात आती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है तो हम कहना है कि रिएक्टेंट में कैसे लग गया प्रोडक्ट में कैसे देखिए रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते, है। करते हैं जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं दो सब्सटेंस या दो स्पेसीज केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करते हैं आरकार रियक्टे। रिएक्ट कहां लिख, लिखने का तरीका जो होता है ना वो केमिकल इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन को बताया गया है इक्वेशन के द्वारा कि ये, ये ऐसे ऐसे हुआ है तो ये जो है ना लेफ्ट साइड में लिख रहता है रिएक्टेंट अब बात करते हैं प्रोडक्ट की देखिए और अगर आपके रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा दो है, तो उनको प्लस करके लिखेंगे पांच ही तो पांच तो करके प्लस प्लस सी करके प्लस प्रोडक्ट कितने एक बनना है, तो है एक, एक टाइप का बनना है, दो, दो, दो है लेकिन रखा है एमजीओ बनना है ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो प्रोडक्ट क्या होता है तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है जो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो केमिकल सब्सटेंस uh, थे वो रिएक्ट करके वो रिएक्ट करके क्या बनाया उन्होंने प्रोडक्ट बनाया तो जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेड होते हैं और जो जो केमिकल स्पेसी रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो स्पेसिस सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं ठीक है दोस फॉर्म दोस प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाएगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा ठीक है नोन आरकार प्रोडक्ट्स तो दो प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस होते हैं कई में होते हैं प्रोड्यूस देखो ये प्रोड्यूस हुआ एमजीओ क्या हुआ प्रोड्यूस हुआ ये रिएक्ट क्यों ये क्या हुआ प्रोड्यूस हुआ जो प्रोड्यूस होते हैं काय के अंदर जो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं जो भी ये 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 भी आपका जो फॉर्म फौ, होगा वो क्या कहलाएगा प्रोडक्ट कहलाएगा और उसको किस साइड में लिखते हैं राइट साइड में लिखते हैं ओके तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन था अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को जनरली हम बचाएंगे कैसे उनके उनके फीचर्स उनके फीचर्स को कैसे पहचानेंगे कि ये फीचर्स हैं वो भाई ये केमिकल रिएक्शन हो गई यहाँ पे या फिर आ, या फिर उसके सिम्टम्स या फिर आप कहेंगे कैरेटरिस्टिक्स क्या होंगे तो उनकी बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ओके तो मैं आ, आप इसको नोट कर सकते हैं है ना पॉज करके या फिर इसको क्या नाम आप स्क्रीन ले सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हम बात करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक तरीके से कहो कोई बीमारी सिम्टम्स होते हैं ना कि सिम्टम्स से लें की ये बीमारी ऐसी ऐसी केमिकल रिएक्शन में क्या है उससे पहचान लेते हैं कि अरे भाई ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई ये केमिकल रिएक्शन हो गई यहाँ इसके अंदर ये चेंज हो गया इसके अंदर क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज आएगा ना सिम्टम्स क्या होते हैं वो चेंज आता है ना इंसान के अंदर कि अरे ये तो खास नहीं लगा ये तो नज़ला जुकाम हो गया इसको इसको नजला जुखाम हो गया इसको वायरल हो गया है ना इसको ये हो गया वो हो गया है ना तो सिम्टम्स ऐसे क्या होगा केमिकल रिएक्शन का क्या है देखो केमिकल रिएक्शन में कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फीचर्स बोल देंगे तो हम बात शॉर्ट में शॉर्ट में बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से पहले मैं बताऊं आपको जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है कुछ के अंदर कुश केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है गैस इवॉल्व होती है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी एक फीचर है किसका केमिकल एक्शन का ठीक है इट्स ऑल्स इवोल्यूशन ऑफ गैस ठीक है फॉर्मेशन ऑफ प्रिपिटेट मतलब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या क्या है ये मतलब कोई आप लिक्विड के अंदर कोई रिएक्शन करा रहे हैं आपने कुछ लिक्विड के अंदर कुछ, मिला कुछ मिलाया के कुछ मिलाया एक्वस फॉर्म था मतलब पानी के अंदर मिला हुआ था जैसी आपने दो को मिलाया एकदम से क्या हुआ सॉलिड फॉर्म से बनने लगी और वो जो सॉलिड फॉर्म बनती है वो होती है प्रिस्पिटेट है ना तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन और प्रिसिपिटेशन अगर किसी किसी के अंदर किसी दो लोगों को मिला रहे हैं दो सब्सटेंस को मिला रहे हैं और उसमें एकदम से सॉलिड फॉर्म सॉलिड सा बन जाए तो हम बोलेंगे यार प्रिपिटेट बन गया ये प्रिसिपिटेट है ये प्रिस, है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिपिटेट ये भी एक सिम्टम्स है कि हाँ भाई इसके अंदर केमिकल एक्शन हो गई जरूर नहीं कि सब हो या इनमें से कोई दो हो सकता है इनमें से एक हो तो कोई भी एक सिम्टम्स हो सकता है कोई भी एक फीचर हो सकता है कोई भी एक हो सकता है किसी का chemical reaction का तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल एशन के बोलेंगे यहां पर लिख दिया आप लिख सकते हैं ठीक है चेंज इन कलर क्या है चेंज इन कलर कलर के अंदर क्या जाएगा चेंज और क्या हो सकता है और कभी-कभी में है। ठीक है तो वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम गैस इवॉल्व होगी और हम पहचान लेंगे भाई ये जो है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है हो गई है ठीक है तो वन बाई वन करते हैं हम लोग चलिए पहले करते हैं ऑफ ऑफ गैस एवलुशन गैस की कुछ रिएक्शन लिखेंगे और उसमें गैस जो इवॉल्व होगी तो हम उससे पहचानेंगे भाई देखो इसके अंदर क्या हो गया है इसके अंदर गैस इवॉल्व हुई है इसके अंदर कोई चेंज आया है और चेंज कैसा आया है कि गैस का इवोल्यूशन हुआ है इसका मतलब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है ठीक है देखिए आइए करते हैं कैसे अब कुछ एग्जाम्पल जिंक ले लें जिंक को हम डाल दें एस टू एस फोर के अंदर जिंक कैसे ले ली

इस हाइड्रोजन गैस का बनना मतलब कहने का मतलब हाइड्रोन है, गैस की इवॉल्व हो रही है तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना से पता चलता है कि अरे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई किसके बीच में एस टू सो फोर के और जैडन के पहले बारीक बारीक दाने डाले फिर क्या हमने H2SO4 डाला डायल्यूट वाटर के साथ मिला के डाल तो हमने हमने देखा कि यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है हमें पता नहीं हाइड्रोजन है, गैस निकल रही बाद में पता चला लेकिन अब इतना पता है कि गैस निकल रही कौन सी निकलती है वो बाद में चला हाइड्रोजन गैस निकलती है क्योंकि एक बार ये हुआ कि हाँ इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है मतलब कुछ कोई ना कोई गैस निकल रही तो आप उसको जलाओगे तो पॉप साउंड के साथ जलती भी है जब आप उसको कैंडल वगैरह यहाँ लेके जाओगे ना यहाँ पे तो ये गैस जलती भी पॉप साउंड के साथ कहीं भी आपको टेंथ में जिक्र आए कि कहीं भी कोई बात आए कि भाई पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस जलती है कुछ पता बोले कि ए गैस है ना हैज़ बिन इवॉल्व फ्रॉम दिस सॉल्यूशन है ना इट इज बर्निंग विद ए पॉप साउंड इन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गैस तो वहां पे समझ लो हाइड्रोजन गैस है ओके okay. तो यहाँ पेडन एसो फोर और क्या आपका हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है और जब भी आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ रही है कि भाई यहाँ पे क्या है कि ये गैस कोई ना कोई रिएक्शन हुई दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है अब इसकी रिएक्शन आप खाली ईसी से नहीं आप इसे करा लीजिए आप एस सी एल से करा लीजिए टू एस सी एल से करा दीजिए आपका तो यहाँ पे होगा एच जिंक को दो चाहिए होंगे ना क्लोरिन तो इसलिए मैंने टू लिया टू जिंक टू प्लस रहती है

नोट कर लिया पीछे करके अगर बाई चांस आपका नहीं ले पाए तो आप पीछे कर ले तो गैस में और एग्जाम्पल देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट की साथ करा दें हम ठीक है टू एस सी एल के साथ करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा देखिए ये बनेगा टू एन ए सी एल और बनेगा आपका एस टू ओ और सीयू टू देखना आप यहाँ सीयू टू गैस रिबलेट हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह हाइड्रोजन गैस हो रही हो कोई ना कोई गैस निकलेगी इवोल्यूशन ऑफ किसी भी गैस का फॉर एग्जाम्पल कोई भी गैस ले लीजिए आप तो इवोल्यूशन ऑफ सी ओ टू गैस हो रही है यहाँ पे तो क्या इस ये दोनों हमने मिलाया अब पता कैसे चला कि भाई इसमें रिएक्शन हो गई है गैस कहाँ से निकलनी शुरू हो गई तो बोले अरे गैस इवॉल्व हो रही है मतलब इसके अंदर कोई चेंज आया चेंज कैसा है? केमिकल चेंज आया और केमिकल चेंज आता है मतलब क्या पुराने बॉन्ड टूटे नए बॉन्ड फॉर्म हुए रीअरेंजमेंट हुआ एटम्स का है ना तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है तो ये क्या है एक तरीके सिम्टम्स है एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है एक तरीके से फीचर्स है किसका फीचर्स है अरे केमिकल रिएक्शन का फीचर है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर ओके तो और देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आ गया मतलब कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी दूसरा क्या था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट का बनना तो प्रेसिपिटेट का बनना क्या है प्रेसिपिटेट का बनना देखिए पहले प्रेसिपिटेट की बात करूं मैं मतलब प्रेसिपिटेट होता क्या है मतलब एक प्रोसेस प्रेसिपिटेट के बनने को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन अब ये आप कोई मान लो कोई लिक्विड के अंदर दो हमने केमिकल डाले और वो आपस में रिएक्ट करे और आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ उन्होंने एक सॉलिड फॉर्म सा बनाया एक प्रेसिपिटेट बनाया उन्होंने अब उन्होंने प्रेसिपिटेट बनाया ये क्या बनाया प्रेसिपिटेट क्या चीज है एक सॉलिड फॉर्म है जो उसके अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं है

के बाद कर, एक रेशन देख के समझ लेते हैं और यहाँ पे आपने लेड लेड वैलेंसी कहीं पर टू, टू है प्लस टू तभी दो एनओ थ्री ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे किसके साथ जोड़ना है, है ना तो के आई की रिएक्शन क्या है पीबीएनओ थ्री साथ करी तो ये भी आपको भी वाटर के अंदर क्या है डिजोल्व इस वक्त तो बनेगा क्या ये बनेगा पीबीआई टू बनेगा तो इसको दो चाहिए आई तो यहां पर आई दो बनने और इधर क्या बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा दूसरा इसके साथ इसके अलावा एक तो पी आई टू बनेगा पी आई टू बनेगा ठीक है और ये क्या होगा ये पीपीटी बनेगा और पीपीटी कैसा बनता है येलो कलर का पीपीटी बनता है कैसा बनेगा ये पीपीटी बनेगा येलो कलर का मतलब कहने का मतलब यहां पे येलो कलर मैं रेड से बना रहा हूँ आप येलो समझ लीजिएगा तो क्या हो रहा है ये पीपीटी पे आ गया अलग सेपरेट आउट हो गया और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बनेगा टू के एनओ थ्री क्या बनेगा टू के एन ओ थ्री ये पानी के अंदर डिजोल्व रहेगा तो ये पानी के अंदर है ये पानी के अंदर था ये था ये बड़ी दो चीज पानी के अंदर एकदम से एक ऐसी चीज बनी कि एकदम से क्या हुआ पानी में से कोई एकदम सॉलिड सा निकल के आया हम बोले अरे ये क्या निकल गया है पीपीटी है जब कोई सॉलिड चीज पानी से निकल के आती है तो हम कहते हैं कि भाई ये जो है क्या है पीपीटी है उसे पीपीटी बोलते हैं उसको प्रिपिटेट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी वैसे प्रिपिटेट तो येलो कलर का होता है पीबीआई टू तो ये क्या है ऐसी रिएक्शन है

तो और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं और हम ले सकते हैं बी एस सी एल टू का ले, ले तो बनाएगा है? है तो बना वाइट पीपीटी बना देगा है ना? क्या बना देगा ये व्हाइट पीपीटी बना देगा तो ये सब क्या है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन मतलब पीपीटी का बनना इस तरीके से क्या होगा हमारा पीपीटी है व्हाइट पीपीटी तो ये ये भी क्या ये एक ऐसी इन दोनों को मिलाया अरे हाँ चलो पानी के अंदर मिले हुए थे ये भी पानी के अंदर था यह भी पानी के अंदर था जैसे दोनों को मिलाया दोनों के सॉल्यूशन को अरे ये क्या हो गया कोई सॉलिड सॉलिड सा बना है क्या बनाया बाद में पता चला कि बी एस ओ फोर बनाए तो अभी तो अपनी आंखों से हम ये तो पहचान सकते हैं कुछ ना कुछ बनाया सॉलिड से बाद में देख लेंगे क्या है लैब में जाके रिएक्शन करा चेक करके उसको एनालाइज करके तो फोर बनाए व्हाइट पीपीटी बनाए व्हाइट व्हाइट सा व्हाइटी बनाया इस बात से क्या जानेंगे क्या क्या बताया इसने इसके कैरेक्टर क्या है इसके केमिकल रिएक्शन कि भाई इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई है अगर पीपीटी मतलब क्या है केमिकल रिलेक्शन क्या है हो चुकी है तो इसका क्या है केमिकल रिएक्शन का होना इस बार ये क्या क्या प्रूफ है इसका कि पीपीटी का बनना ये प्रूफ है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, है। यहाँ पे हो गई है ओके चलिए फिर आगे और पढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं इसके बाद क्या था हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के बाद क्या था चेंज इन टेम्परेचर था चेंज इन स्टेट था है ना चेंज इन कलर था चलिए चेंज इन टेम्परेचर ले लें चेंज इन कलर ले कुछ भी पढ़ ले चेंज इन टेम्परेचर ले लेते हैं चलिए चेंज इन टेम्परेचर अब टेम्परेचर में चेंज आ गया है ना टेम्परेचर के अंदर क्या आ गया चेंज आ गया अब टेम्परेचर के ऐसी रिएक्शन में हमें कोई ऐसी रिएक्शन देखनी है अब मैं एक बात और बता दूँ आपको ये जो सब जो ये सिम्टम्स हैं ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हर रिएक्शन में नहीं आने की हर रिएक्शन में पीपीटी बनना है ये हर रिएक्शन में गैस निकलनी किसी में गैस निकलेगी किसी में पीपीटी बनेगा तो ये चार पांच प्रूफ है उससे हम पहचान लेंगे कि भाई हाँ इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई किसी में कुछ होगा किसी में दो दो होंगे किसी में एक होगा तो फॉर एग्जाम्पल हम की बात करते हैं कि जैसे कि अब अब हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर बढ़ा अरे जिंक भी डालते ना जिंक हम एस्टोसो फोर में डालते हैं तो क्या बनता है बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है तो जिसमें हम बर्तन में सब करते हैं रिएक्शन तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो थोड़ा सा हीट निकलती है ना तो, तो तो क्या इसको छू के देखेंगे क्या होगा इसको छू के अगर हम देखेंगे तो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम कहेंगे भाई टेम्परेचर में चेंज आ गया तो ये रिएक्शन भी क्या है कि भाई टेम्परेचर चेंज हुआ है इसके अंदर है ना ये भी इसके अंदर ये रिएक्शन कैसी है कि कैसी है ये एक्सोथर्मिक जब भी जिसके अंदर से हीट निकलती है ना उसको बोलते हैं एग्जिस्ट करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है है ना तो क्या बोलेंगे इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हीट निकल रही है वहाँ से तो क्या चेंज इन टेम्परेचर तो ये ऐसी रिएक्शन है जैसे जैसे हमने इन दोनों को डाला टेम्परेचर में चेंज आया तो हम बोले अरे यार टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया मतलब के, इन दोनों की इन दोनों ने कुछ ना कुछ हरकत करी है दोनों मिले हैं दोनों ने केमिकल्स में कुछ ना कुछ कंपोजिशन में चेंज अरेंजमेंट करा है पुराने बॉन्ड तोड़े नए बॉन्ड फॉर्म करें तो अभी तो कहना है यहाँ से हीट निकल रही है तो हीट निकलने का मतलब भी क्या है इसका तो, तो ये हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है यहाँ पे एक प्रूफ ये है और एक हीट है दो दो प्रूफ है है ना ये तो इसमें क्या होगा दो दो बातें सबूत हैं कि ये रिएक्शन हो गई है गैस का निकलना और हीट का निकलना तो यहाँ पे इसकी ये एग्जाम्पल यहाँ कहाँ फिट हो रहा है यहाँ भी फिट हो रहा है और ये इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी फिट हो रहा था ठीक है और देखिए जब भी आप आपने पढ़ा होगा आप चलिए आपने पढ़ा होगा लाइम लाइन लाइम लाइम किसको बोलते हैं है ना लाइम बोलते हैं इसको सी ए को इसको बोलते हैं लाइम एल आई एम लाइम या फिर क्यूक लाइम बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वो क्या होता है कि सीएओ है इसमें क्या करेंगे हम क्यूक्यूलाइम ये इसको हम वाटर के अंदर मिला देते हैं वाटर को मैं ऐसे लिख दूँ ना थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से एस टू लिख दूँ चाहे एस टू एच ओ एच ओ लिख दू तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन यहाँ पर है दो है यहाँ पर तो क्या बनता जाता। है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रक्साइड सी ए एक ओ ये एक ओ ये तो o, o, दो दो हो गए ना तो सी एच का क्या हो गया दोस्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना इसको क्या बोलता क्या बोलते हैं इसको लाइन बोलते हैं कॉमन नेम में ये कैल्शियम है ये हाइड्रोक्साइड तो पूरा बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है ना वो क्या है लाइम या फिर क्यूक लाइन में ठीक है तो क्यूक लाइम और लाइम को अगर आप काय के अंदर डालोगे वाटर के अंदर डालोगे ना तो पता क्या बनता है ये बनता है ये ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं स्लैक लाइम बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स तो क्या बनता है ये स्लैक लाइम बोलते हैं अभी स्लैक लाइम बन गया पता क्या होता है हीट भी निकालता है तो आप इसको छू के देखेंगे ना कभी 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 आपने देखा होगा कि एक्चुअली ये बनता है कहां से ये जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम कहां से बनता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना उसको हीट करके बनाते हैं इसको तो जब भी हम घर में पताई करते हैं ना व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो इसके इसको हम क्या करते हैं ड्रम के अंदर डालते हैं पानी के अंदर तो वो थोड़ा सा हीट ये बनाता है कैल्शियम हाई बनाता है लाइन बनाता है इसी को यही ये, ये होता है व्हाइट वॉश जो हम दीवार के ऊपर पोतते हैं है तो ये, ये जो आपको उसके अंदर वो देखो थोड़ा हीट सी निकलती है तो वो हीट जो है ना हीट का अब हम पता कैसे चलेगा भाई ये ऐसा हो गया हीट का निकलना क्या है प्रूफ है हीट का निकलना क्या है इसकी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसने उसके अपने एक कररेक्टरिस्टिक शो करी है कैसी कौन सी वाली शो करी है हीट निकलना तो सब ये क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब फीचर्स हैं किसके केमिकल रिएक्शन के कभी हीट निकालेंगे कभी कभी कलर में चेंज लेकर आएंगे कभी प्रिसिपिटेड बनाएंगे कभी क्या हमें गैस निकालेंगे तो ये सब चार पांच जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की हम उनसे पहचान लेंगे कि इसके अंदर ना केमिकल रिएक्शन हो रही है ओके okay? तो अब सिलेक्ट लाइम हो गया हमारा ठीक है और ये तो हमने दिया ये भी रिएक्शन किया है एक्सोथर्मिक है वो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है क्यों एक्सोथर्मिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन हीट निकालती है अब कुछ रिएक्शन तो ऐसे भी होंगे ना जो हीट लेंगी तो उसकी बात करते हैं कि जो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो क्या क्या होंगी जो हीट लेंगी है ना चलिए आप आगे चलते हैं वो क्या कहलाएंगे एंडोथर्मिक तो जरूरी नहीं कि टेम्परेचर की बढ़े ही टेम्परेचर इंक्रीज हो टेपरेचर डिक्रीज हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज कैसे हुआ कि आप लोग कोई सिस्टम में कोई रिएक्शन करा रहे हैं आपने वहाँ रिएक्शन कराई तो उसने क्या सराउंडिंग से टेम्परेचर ले लिया सराउंडिंग लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, हो जाएगा. तो इसका देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दें अमोनियम क्लोराइड की ठीक है तो पता क्या बनता है बी एस सी एल टू दोन दोन ले क्योंकि हम, तो हम क्या बनाना बी एस सी टू बनाना है और यहाँ पे यहाँ पे अमोनिया बन जाएंगे टू एन एच थ्री और यहाँ पे टू एच टू कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन कितने एट, एट, और फोर, हाँ, पे है तो ये बैलेंस आप चेक कर लेना आराम से तो बी एस सी एल टू दो एस और पता क्या हुआ यहाँ पे इसने हीट हीट ली है हीट ने क्या इन सराउंडिंग से हीट ली है तो जैसे कि किसी बर्तन में ये रिएक्शन हो रही होगी ना इसमें रिएक्शन हो रही है आप देखोगे तो ठंडा हो जाएगा ये बर्तन ये जो वैसल है ना ये जो रिएक्टर जो भी आप लेंगे वैसल बोले रिएक्टर बोले कंटेनर ले बोले

मतलब इन भाई साहब को हमें दो दो एंडोथर्मिक और वहां पे एग्जिस्ट बाहर करना एक्जोथर्मिक जो हीट निकालते हैं वो एक्जो और जो हीट हीट को जिन्हें देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक ओके स्टूडेंट्स तो चेंज इन टेम्परेचर अब बात करें हम कलर की चेंज इन कलर क्योंकि ये क्या चेंज इन टेम्परेचर भी क्या करेक्टरिस्टिक है किसकी केमिकल एक्शन केमिकल एक्शन अगर कोई चेंज आ रहा है ना टेम्परेचर के अंदर तो हम कह रहे हैं अरे भाई इसके अंदर केमिकल एक्शन हो गई यहाँ पे है ना इनमें केमिकल टेम्परेचर में चेंज आया अरे भाई हो गई ये नहीं कि पता चला मौसम चेंज हो गया बारिश हो गई तो ठंडा हो गया तो आप कह रहे थे हैं ठंडा हो गया टेम्परेचर है ना वो उसम सराउंडिंग के रिगार्डिंग में ठंडा आना है है ना ये बात तो ठीक है और देखो बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर के बाद क्या करेंगे हम चेंज इन कलर या चेंज इन स्टेट चलिए कलर की बात करते हैं चेंज इन कलर कलर की बात करेंगे कलर क्या होगा आइए बात करते हैं हम कलर की कलर कैसे होगा कलर देखिए चेंज कलर चेंज आ जाएगा एक तो वो के वाला एग्जाम्पल भी था उसमें भी क्या हुआ था कलर चेंज आ गया था है ना चेंज इन कलर आ गया था तो और कौन से है आप देखो एक बात देखिए आप यहाँ पे हम ले लेते हैं केमिनो फूल ले लेते हैं ठीक है केमिनो फोल को हम सिट्रिक एसिड से यूज कर देंगे ना सिट्रिक 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 एसिड क्या होता है लेमन होता है यहाँ पे लेमन डाल लें आप आप ये केमेनो फोल यहाँ पे केमिनो फूल लिया आपने केमिनो फुल पोटेशियम परमागनेट बोलते हैं ये क्या पता कैसे कलर का होता है पर्पल कलर का होता है कौन से कलर का पर्पल कलर का तो इसके पर्पल कलर में आप जैसे नींबू निचोड़ कर डाल देंगे ना नींबू के अंदर क्या होता है सिट्रिक एसिड होता है ठीक है तो इसके पर्पल कलर को गायब कर देगा कैसे कर देगा कलरलेस कर देगा कैसे कर देगा कलरलेस जैसे आप इस केमिनो फर के सॉल्यूशन के अंदर आप सिट्रिक एसिड डालेंगे सिट्रिक एसिड का एसडमला बड़ा है आप लोगों के कोर्स में नहीं है आपको बेवकूफ आपको आपको समझाना तो है तो बेकूफी है आप याद नहीं कर पाएंगे तो सिट्रिक एसिड क्या के कमिनो फोर में डालेंगे तो पर्पल कलर ना इसका चेंज हो जाएगा ये एसिड है ये एसिडिक मीडियम होगा ना एसिडिक मीडियम तो ये पर्पल कलर है तो चेंज हो जाएगा पर्पल तो कलर पर, पर का चेंज होना इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या होगा कलर में चेंज हो गया है चेंज इन कलर का मतलब अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है तो कलर के अंदर किसी के अंदर दो केमिकल्स को मिला रहे हैं और उसके अंदर एकदम से कुछ केमिकल रंग के अंदर चेंज आ जाए जा 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 जा। कलर के अंदर चेंज आ जाए जा जा तो हम क्या कहेंगे अरे भाई इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है तो कलर का चेंज होना क्या है यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है देखो जैसे हम क्या नाम है एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल ये हम क्या है यहाँ के टू सी आर टू एसिडिक मीडियम में एसेटिफाइट, एसेटिफाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर थोड़ा एसिड भी डाल रखा है के टू सी आर टू सेवन पोटेशियम डाइक्रोमेटी ठीक है इसमें क्या करते हैं हम पता है एसोड टू गैस क्या कराते पास करा कराते ठीक है जो इसका ऑरेंज कलर होता है ना ऑरेंज यह भी ऑरेंज कलर का होता है कैसा होता है ऑरेंज कलर का ऑरेंज कलर का होता है कैसे, होता है मतलब कैसे बन जाता है ये जैसे आप एसड पास कराएंगे इसके अंदर करेगा तो कैसे होगा ग्रीन कलर हो जाता है कैसा हो जाता है ग्रीन कलर तो क्या यहां पे भी क्या हो गया कलर क्या हो गया यहाँ पे चेंज हो गया है ना चेंज चेंज पे क्या हो गया? कलर? चेंज हो गया गया कलर तो कलर का चेंज होना मतलब मतलब कैसे है? के सेवन और एसो टू ने आपस में मिलके कुछ ना कुछ किया है जब भी तो रंग चेंज हुआ इसका मतलब केमिकल्स केमिकल्स आपस में रिएक्ट करें और केमिकल रिएक्ट करें क्या पुराने बॉन्ड क्या हुए टूटे हैं नए बॉन्ड फॉर्म हुए है ना अरेंजमेंट हुआ आइटम्स का तभी तो नया नई प्रॉपर्टी आई है तो ऑरेंज से कैसा हो गया ग्रीन हो गया कब जब एसो टू पास कराएंगे के टू सी आर सेवन में तो ये रिएक्शन है तो क्या ना हमें कलर का चेंज होना भी क्या है एक तरीके से हम ये कह है सकते हैं कलर अगर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है आए कुछ दो चीज डाल दो चीज दो दो लोगों को डाल दो दो सब्सैन डाल दो अरे कुछ कलर चेंज आ गया उसका तो मतलब अरे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चेंज हो गई केमिकल रिएक्शन हो, हो गई है इसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं केमिकल रियक्शन को पता करने के लिए कुछ बातें होती हैं कुछ फैक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ सिम्टम्स होते हैं कुछ फीचर्स होती हैं उन फीचर्स से हम बचा लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो गई है है ना चलिए और पता चेंज इन कलर चेंज इन टेम्परेचर हो गया हमारा चेंज इन कलर हो गया हो हो गया, गया ये सब क्या है और क्या रह गया चेंज इन स्टेट अब स्टेट की बात कर लेते हैं, चेंज इन स्टेट अब देखिए स्टेट की बात कर रहे हैं मतलब स्टेट में चेंज आ गया स्टेट क्या मतलब फेस चेंज आ गई चेंज हो गई है कैसे फॉर एग्जाम्पल आज जैसे आपका लिक्विड है लिक्विड कौन सा लिक्विड है आपका ऑयल है जो आजकल बहुत महंगा हो गया पेट्रोल डीजल दोनों बराबर रेट हो गए तो क्या नाम है ऑयल आप उसको हीट करेंगे आप तो क्या करेगा ये अरे ऑयल जैसे मैं ऑटोमोबाइल जल देता है क्या ऑटोमोबाइल में जलाते ना अरे मिट्टी का जल जलाते हैं घास लेट जलाते हैं कोई भी फ्यूल जलाएं आप कोई भी कार्बन कोयला जलाएं तो क्या होता है वो मान लो कार्बन है वो सॉलिड था क्या बन जाएगा सी यू टू गैस तो क्या यहाँ पे क्या था सॉलिड था काम चेंज कर दिया आपने गैस में तो फेस का चेंज हो जाना मतलब क्या है कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है फॉर एम जी ओ था अभी शुरू में पढ़ा था एम जी ओ को सॉरी मैग्नीशियम था रिबन था उससे क्या कराया आपने ऑक्सीजन से एक्शन कराई तो पाउडर में चेंज हो गया तो क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ना वो तो क्या क्या हुआ पाउडर में चेंज हो गया तो हल्का सा तो चेंज आया मैं ये नहीं कर रहा सॉलिड तो सॉलिड में ही है वो है ना लेकिन ओटू थी वहाँ तो सॉलिड में आ गया ना मैग्नीशियम प्लस ओटू ओटू तो आ आएगा ना उसके अंदर ओटू भी तो एक रिएक्टेंट है ना रिएक्टेंट तो दोनों है ना मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन भी है तो फे, फेस में चेंज आया ना और उसकी भी जो फेस थी वो क्या नाम एक तरीके से सॉलिड फॉर्म थी पूरी और वो क्या हो गया पाउडर फॉर्म हो गई एम जी ओ है ना तो मैग्नीशियम सॉलिड था तो तो प्रोडक्ट तो एम जी ओ आया था ना तो स्टेट के अंदर चेंज आया क्या नाम है स्टेट के अंदर चेंज आ जाएगा स्टेट तो समझ गया ना फिजिकल स्टेट गैस सॉलिड लिक्विड गैस बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके तो आप आप जो आप किचन में जो गैस होती है एलपीजी गैस उसको जला रहे हैं आप गैस थी वो जला रहे हैं तो वो तो गैस में चेंज हो रहा है फिजिकल स्टेट गैस में हो रहा है और क्या है लिक्विड मतलब लिक्विड जो फ्यूल है सॉलिड फ्यूल जो है उनका जो कम्बन है ना तो उनका तो उनका तो हो रहा है लेकिन गैस का गैस में हो रहा है डायरेक्ट उसमें उसमें चेंज नहीं आ रहा उसमें हीट निकल रही है है ना चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वहाँ पे जो जो हम पहचानेंगे गए रेक्शन हो रही कैसे टेम्परेचर में चेंज होना लेकिन यहाँ पे क्या पहचानेंगे आप जैसे आपका फ्यूल है टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ये भी सिम्टम्स है ये भी फीचर्स हैं ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन होने के लेकिन बात क्या हो रही है कि लिक्विड यहाँ पे आ रही है स्टेट की बात तो इसे ऑयल को हम जलाएंगे या कहीं सॉलिड फ्यूल को जलाएंगे और क्या बनना है वो गैस में चेंज हो रहा है और वाटर में कुछ वाटर भी निकालते हैं ऑयल वगैरह ये तो ओ टू बना रहा है कोयला है ना तो क्या क्या मतलब थोड़ा सा कार्बन कुछ पार्टिकल कार्बन के इसके साथ मिलकर चले जाएंगे ऊपर बिना जले तो वो स्मोक कहलाता है सी टू के साथ कार्बन के पार्टिकल अनबर्न पार्टिकल तो स्मोक कहलाता है वो तो ये क्या होगा ऑयल का चेंज हो जाएगा तो जैसे सॉलिड सॉलिड वाली फ्यूल है लिक्विड वाले फ्यूल है उनका क्या होता है फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है कुछ केमिकल है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है चेंज हो जाती है 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 ना जैसे कैल्शियम कार्बोनेट तो ये क्या होगा उसको हीट करेंगे आप और में चेंज हो जाएगा तो पे क्या होगा गैस 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 निकल रही है तो यहाँ पे निकल रही है ये, ये सॉलिड में हुआ सॉलिड में हुआ यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है और सॉलिड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे पूरा तो नहीं कह रहा हमें लेकिन कुछ ना थोड़ा पार्ट क्या हो रहा है गैस में जा रहा है उसका तो यहाँ पे क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस है क्या है सिम्टम्स है और थोड़ा सा क्या ना देखिए सॉलिड था और उसमें से गैस निकल रही है तो फेस में चेंज आ रहा है ना कुछ पार्ट सॉलिड में रह रहा है कुछ पार्ट उसमें रह रहा है तो बहुत से ऐसी रिल्क्शन है जो पूरे के पूरा क्या पूरे का पूरा फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाता है फिजिकल स्टेट क्या चेंज इन स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड जो गैस होते हैं ठीक है थीके? तो स्टूडेंट्स यही था हमारा सब करैक्टरिस्टिक्स थे हमारे यहाँ पर फिर आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ते हैं हम कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ठीक है तो आप इसको रिवाइज़ करिएगा फिर मैं आपको दूसरी वीडियो को मैं यही पढ़ाता हूँ उसके अंदर केमिकल इक्वेशन वगैरह केमिकल केमिकल इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन में धन्य नहीं पता है क्या पढ़ते हैं वो केमिकल जो रिएक्शन हो रही है एक स्टेटमेंट में हो रही है पूरे में हमने कोई बात कही कि ये इज इज हैज बीन ट्रीटेड विद द द एंड 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 प्रोडक्ट वाटर हाइड्रोजन इस बात को पूरी बात को एक छोटी सी बात में लिखना है मतलब एक एक, एक, एक शॉर्ट हैंड में लिखना है वो वो क्या होती है केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड में लिखने को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन तो ठीक है स्टूडेंट्स फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में ओके okay, बाय